आज की सोसाइटी में अल्कोहल कंज्यूम करना सिंबल स्टेटस बन गया है। किसी पार्टी में अगर अल्कोहल ना हो तो वो पार्टी बेकार है। ऐसी सोसाइटी या पार्टी में डायबिटिक पेशेंट्स को जाना हो तो क्या करें, चलिए जानते हैं। सबसे पहले खुद से 3 क्वेश्चन कीजिए। क्या आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है? क्या कोई ऐसे डायबिटीज के सिम्टम्स तो नहीं है कि अल्कोहल लेने से और परेशानी हो जाए, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस, पैरों में जलन या सुन्नपन? क्या आप जानते हैं कि अल्कोहल की कितनी क्वांटिटी आपके लिए सही है? अगर सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है एंड आपका दिल मानता है कि इन कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी तो आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। बट फिर भी अच्छा यही होगा कि 2 पैग से ज्यादा ना लें। क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में अल्कोहल का क्या असर होता है? अल्कोहल कंजम्पशन के 5 मिनट्स के बाद ही आपके ब्लड में अल्कोहल की क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। 30 मिनट से 90 मिनट में ब्लड में अल्कोहल हाईएस्ट पीक पर चली जाती है। लिवर अल्कोहल डाइजेस्ट करता है बट उसमें टाइम लगता है। कम समय में हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेने से ब्रेन की एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ता है। एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बताती हूँ। जब भी ब्लड शुगर कम हो जाती है तो लिवर कार्ब को ग्लूकोज में बदल देता है और बॉडी को शुगर देता है। पर जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो लिवर ब्लड में से अल्कोहल को हटाने लगता है और जब वो उस काम में लग जाता है तो ग्लूकोज लेवल जो बॉडी में होता है वो कम हो जाता है। ये सिचुएशन खाली पेट अल्कोहल कंजम्पशन के टाइम पे ज्यादा देखी जाती है। ऐसे लोगों में ब्लड शुगर लेवल्स इतने लो हो जाते हैं कि लाइफ टेकिंग भी हो सकता है। और अगर उस टाइम डायबिटीज की मेडिसिन खा लें तो ये सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है। शुगर लेवल्स कम होते ही इंसान बेहोश हो जाता है और घर वाले सोचते हैं कि ये ज्यादा अल्कोहल लेने से हुआ है और उनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कराते और इस लो शुगर लेवल्स या हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। तो एम्प्टी स्टमक अल्कोहल इंटेक ना करें और मेडिसिन भी अल्कोहल के साथ ना लें। अल्कोहल लेने के बाद डायबिटिक पेशेंट्स को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कई बार शाम को क्लब्स में खेलने के बाद विस्की या बियर पीने से भी ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं या हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तभी कहते हैं कि कभी भी खाली पेट अल्कोहल ना लें। मैक्सिमम 1 और 2 पैग तक ही अल्कोहल कंजम्पशन करना चाहिए। इंस्टेंट अल्कोहल कंजम्पशन के बाद एक्सरसाइज ना करें। एक्सेसिव अमाउंट में या डेली अल्कोहल कंजम्पशन से लिवर खराब हो जाता है और अगर लिवर खराब हो जाए तो शुगर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक आज आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। स्पेशली जो अल्कोहल इंटेक करते हैं उन्होंने बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी, तो इसको फॉलो जरूर करें और अपनी शुगर को मेंटेन रखें। एंड अगर आपको लगता है कि और भी लोग जिनको इस वीडियो की देखने की जरूरत है उनके साथ उसको जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों की भी जान बच सके, वो हेल्दी रह सकें। स्पेशली योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड मैं हमेशा अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट लिंक्स सेंड करती हूँ, उन लिंक्स को जरूर देखिए क्योंकि वहां से आपको और भी जानकारी मिल सकती है।